हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का करंट अफेयर सिलेक्टेड क्वेश्चन 2021 और 22 का। जो सिलेक्टेड कुछ नया नया दिख रहा है वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको उठपटांग पूछा जा रहा है झारखंड करंट अफेयर का, देखा जा रहा है तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ नया नया क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। और बाकी दोस्तों पता ही है पूरा मूड ख़राब हो गया, अभी देखिए वीडियो 11 बजे रात को बना रहे हैं वीडियो हम, ठीक है। दिन भर मैच देखें, किसी उम्मीद था आज कि कुछ बढ़िया होगा, कि मूड सारा मूड ख़राब हो गया। चले कोई नहीं यार, पूरा इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करके खेलते आ रहा था पूरा टूर्नामेंट में, बताइए ना, लास्ट मैच टेरी ले गया। चलिए खैर, क्या कीजिएगा, नहीं होगा। दिन ही ख़राब था इंडिया का, टर्निंग पॉइंट वो विराट कोहली जो आउट हो गया, वहीं से टर्निंग पॉइंट हो गया। विराट कोहली रहा रहता तो शायद 20-30 रन और बना रहता, 100% बना रहता यार, क्योंकि वो गलती से आउट हो गया है वो, देखा जाए तो, है ना। बाकी तो चलिए, बाकी क्या कीजिएगा, तो मतलब सब रो गया यार, मतलब प्लेयर लोग जितने भी थे, क्योंकि विराट पता है कि कोहली पता है, विराट कोहली तो अगला एशिया कप वर्ल्ड कप तो खेल ही लेगा, रोहित शर्मा पता नहीं खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उन लोग का एज भी तो हो गया है ना, इसलिए सोचा चलो आखिरी कैप्टन भी था, जीत जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए फिर क्या कीजिएगा, नहीं हो पाया तो ठीक है। बहुत अच्छा नहीं लगा तो, सच बता रहे, मतलब काफ़ी उम्मीद था, सभी को उम्मीद था, सबको बोल रहा था इंडिया जीतेगा इस बार फाइनल, ठीक है। इतना अच्छा परफॉर्म किया, पूरा मैच बढ़िया खेला था। अब 27-4 साल के बाद इंतजार करो, फिर पता नहीं क्या होगा, टीमें कैसा होगी, सिचुएशन क्या होंगे, कहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, बहुत तरह की बात है यार। लेकिन चलिए खैर, जो ये सब जो भी है, उम्मीद था काफ़ी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, देखिए रात को बना रहे वीडियो, अब बोलिए कैसे, देखिए यहाँ टाइमिंग दिख रहा है, नीचे देखिए दिख रहा है ना, 11:15 PM है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन वीडियो कभी छूटना नहीं चाहिए इसलिए बना देते हैं, ठीक है। चलिए, सुबह तो बना नहीं पाते हमने, वैसे सुबह जो 7:30 बजे वीडियो आती है उसमें। चलिए, शराब की खपत में संपूर्ण भारत में झारखंड का क्या स्थान था, बताइए। शराब की खपत में संपूर्ण भारत में झारखंड का स्थान कितना, देखिए दोस्तों झारखंड में 28वां स्थान है, इससे भी ऊपर पीने वाला खपत करने वाला लोग हैं स्टेट बहुत सारे, ठीक है। चलिए, 1 जनवरी 2022 को खरसवां गोलीकांड का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया है, खरसवां गोलीकांड बताइए क्या हुआ था। 1 जनवरी 1948 को हुआ था शायद ने, हाँ 1948 को हुआ था, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 74वां हो जाएगा, 74 2022 का पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मान लीजिए मैं आ जाता, मान लो तो जिनको ये पता है कि कब हुआ था 1948 में, आराम से निकाल लेगा, और जिनको नहीं पता है फिर उसको रट्टा मारना पड़ेगा कि 74वां होगा 2022 का, ठीक है। पहली से आठवीं कक्षा तक के 35 लाख बच्चों के वेग वितरण के लिए सरकार ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है, बताइए। 100 फुटवेयर, सुमाजा इलेक्ट्रो इंफ्रा, उपरोक्त दोनों का किया हुआ है, ठीक है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए CMD किसे बनाया गया, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नया CMD किसे बनाया गया बताइए, किसे भोला सिंह का बनाया गया, ठीक है। झारखंड में 40,000 रुपये या इनमें से कम के स्थानीय निवासियों के निजी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आरक्षण का उपलब्ध है, चलिए तो 75% है, ये क्वेश्चन तो सबको बना के आएगा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की किस योजना की क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है, बताइए। तो क्या नाम है, तो उन्नति। राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नियुक्ति पोर्टल का आरंभ किस मंत्रालय ने किया है, रोजगार देने के लिए कौन मंत्रालय होगा बताइए, श्रम मंत्रालय, कौन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। राज्य में चल रहे ऑनलाइन रीडिंग कैंपेन के लिए प्रत्येक जिले में कितने मोबाइल वैन की व्यवस्था की जाएगी, राज्य में चल रहे ऑनलाइन रीडिंग कैंपेन के लिए प्रत्येक जिले में कितने मोबाइल वैन की व्यवस्था की जाएगी, तो कितने जिले के दोस्तों, एक जिले के। चलिए, झारखंड ऊर्जा संचारण निगम के MD किसे नियुक्त किया गया, बताइए। झारखंड संचारण नगर संचारण ऊर्जा संचारण निगम के MD किसे बनाया गया दोस्तों, तो याद रखिए KK वर्मा को। राज्य पेयजल योजनाओं के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन
कम से कम कितना लीटर स्वच्छ पानी प्रदान किया जाएगा, राज्य में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो कितना लीटर दोस्तों? 60 लीटर। अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता कौन सा टीम था? अंडर 14, ठीक है, अंडर 14 का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसका विजेता चतरा बना था, ठीक है। राज्य के लगभग कितने बच्चों के बैंक खाते में मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट की राशि ट्रांसफर की जाएगी? राज्य के लगभग कितने बच्चों के बैंक खाते में मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट की राशि ट्रांसफर की जाएगी? 32 लाख। कितना? 32 लाख। झारखंड ओलंपिक संघ ने किस संस्थान की मान्यता रद्द की है? इंपॉर्टेंट है, झारखंड ओलंपिक संघ ने किस संस्थान की मान्यता रद्द की है बताइए? झारखंड राज्य राइफल संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ, झारखंड भारोत्तोलन संघ, झारखंड बॉक्सिंग संघ, बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड राज्य राइफल संघ, ठीक है, इसको सदस्य मान्यता खत्म कर दिया, झारखंड राज्य राइफल संघ। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन कितनी भूमि पर निर्माणाधीन है? नया भवन बनाया ना, कितनी भूमि दोस्तों? 8 एकड़। मोबाइल की लत से बन रहे मन रोगियों के लिए बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक कहाँ खोला गया है बताइए? मोबाइल की लत लग गया भैया उसको, तो मन रोगियों के लिए बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक कहाँ खोला गया दोस्तों? तो कहाँ? रांची में भाई, कहाँ के रांची पता है ना, पागलखाना वहीं पे होता है लगभग लोग का, ठीक है, CIP कहाँ के रांची। प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन जो झारखंड से भी होकर गुजरेगी कितनी दूरी तय करेगी? कहाँ से? वाराणसी से हावड़ा बुलेट ट्रेन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा एग्जाम में, हो सकता है रांची से पूछ दे क्योंकि रांची अभी 2-3 और चला है, ठीक है, लेकिन ये वाराणसी से बोल रहा है। हावड़ा बुलेट ट्रेन जो झारखंड से भी होकर गुजरेगी कितने किलोमीटर तय करेगी दोस्तों? 760 किलोमीटर। कितना? 760 किलोमीटर। चर्चा में रहा रेवा रातू ग्रेफाइट्स खदान बताइए किस जिले में है? रेवा रातू ग्रेफाइट, रेवा रातू, ठीक है, ग्रेफाइट का खदान है, ठीक, इसका खदान है ग्रेफाइट का, बताइए। तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? देखो दिमाग लगा सकते हैं, इसे भी मान नहीं पता है, रेवा रातू, ठीक है, तो ग्रेफाइट खदान कहाँ पे दोस्तों? ये पलामू में, रेवारातू ग्रेफाइट खदान पलामू में, ठीक है दोस्तों। चलिए इतने क्वेश्चन था 18, ठीक है, बाकी जितना मिलेगा हम करवाते चले जाएंगे, बस चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ के रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।